बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आजकल चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया से लेकर लोगों की जुबान पर छाए हुए हैं। दावा चमत्कार का है, तो इससे अलग एक दूसरा दावा इसे झूठ बताने का भी है। हम आग्रह नहीं रखते कि 100% वो करेक्टली बताए, अगर 90% भी वो करेक्टली बताते हैं उनका बात सच्ची है, ये दिव्य ज्ञान की या दिव्य शक्ति की बात, अंतर ज्ञान की बात सच्ची है, ऐसा मानेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया दो बार कंडक्ट की जाएगी पत्रकारों के सामने, ये चुनौती की प्रक्रिया हो। अगर दोनों बार वो जीतते हैं उनके चरणों पर मेरा माथा टेकूंगा, माफी मांगूंगा, और गए 40 सालों से ये जो काम कर रहे हैं, हजारों मांत्रिक बाबाओं को हमने एक्सपोज किया है, वो मेरा संगठन अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति हम बंद करके घर में बैठेंगे। पहले न्यूज वालों को आ जाने दीजिए, अभी तक हम जिनको बुला रहे हैं वो हमारे लोग हो सकते हैं। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। अभी तो नहीं बदलना है, नहीं नहीं बदल लो, नहीं नहीं बदल लो, बिल्कुल नहीं। ये पत्रकार वाली बहन को आप जानती हूँ? नहीं। आपके मन में दो प्रश्न हैं, बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है।